दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग पेमेंट के लिए गूगल पे का यूज करते होंगे, पेमेंट लेन देन के लिए, किसी भी ट्रांजेक्शन्स के लिए या और भी रिचार्ज या टिकट बुकिंग के लिए आप गूगल पे का यूज करते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, आप अपने बिजनेस के लिए गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान सा प्रोसेस है जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, तो इस वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा कि गूगल पे पे आप अपना मर्चेंट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे किसी अदर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, लिंक्डइन या IGTV पे देख रहे हैं तो आप वहाँ भी हमसे कनेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नितीश, nitishvarma.com से। दोस्तों, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले ही मैंने गूगल पे के मर्चेंट अकाउंट के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि वहाँ से मुझे क्या आया है, गूगल पे की तरफ से क्या आया है। ये देखें, ये एक एनवेलप, मैं थोड़ा पास में आके आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे nitishvarma.com और यहाँ पे मेरा कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था और DTDC के थ्रू ये एनवेलप आया हुआ था। और ये आप देख सकते हैं, ये इन्वेलप मुझे रिसीव हुआ था, DTDC के थ्रू हुआ था। और मैं आपको दिखाऊं, ये जो पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, आई थिंक जब ये जनता कर्फ्यू से शायद एक या दो दिन पहले मुझे रिसीव हुआ था। हालांकि वो देखने गए थे, मुझे उनके ऑफिस से ही जाके ये रिसीव करना पड़ा था। हमारे यहाँ थोड़ा इशू है, वो लोग करते नहीं हैं टाइम से डिलीवर, तो मैंने जाके खुद से ही ले लिया। इसके साथ ही मुझे मिला है ये QR कोड, आप सुन सकते हैं, ये प्लास्टिक का बिल्ड मटेरियल है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो QR कोड है, साथ ही गूगल पे की ब्रांडिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही आप ये देख सकते हैं, तो ये और इसके साथ ही जहाँ आप अपने इसको अपने बिजनेस लोकेशन पे लगा सकते हैं, तो ये भी साथ में मुझे मिला है जो इसी डेवलप में आया है। और इसके साथ एक और दो और एक्स्ट्रा वो QR कोड दिए गए हैं मुझे, जहाँ मैं इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। और इसमें अच्छा, तो ये है जो ये जो स्टैंड दिया गया है, तो इसको आप अपने शॉप या अपने ऑफिस के काउंटर पे इसको सेट करके बिल्कुल इस ढंग से ऐसे इसको स्टैंड में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप जो है अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पूरा प्रोसेस बताने के लिए मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ जाना होगा। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि गूगल पे पे अपना मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको आपके बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होता है। जैसे कि मैंने प्रोप्राइटरशिप के लिए वो किया हुआ था, जो मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे बस पैन और आधार उनको शो करना पड़ा। और साथ में उन्होंने मेरे कंपनी का एक विजिटिंग कार्ड देखने के लिए मांगा था, साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी मांगी थी। तो और बस इतना ही, प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको कोई ख़ास डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है गूगल पे बिज़नेस। और गूगल पे बिज़नेस आप देख सकते हैं, ये ऐप मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये अपडेशन मांग रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा। और मैं आपको ले चलता हूँ अपने गूगल पे के मर्चेंट ऐप। तो आप देख सकते हैं गूगल पे फॉर बिजनेस ये ऐप इंस्टॉल मेरे फ़ोन में। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे कंपनी का नाम आ रहा है nitishvarma.com। ये माई स्टोर का सेक्शन है,
जहां आप मेरा बिज़नेस प्रोफाइल देख सकते हैं। यहां मेरा ICICI बैंक का अकाउंट नंबर लिंक किया गया है। ये जो आप सपोर्ट बटन देख रहे हैं, इसी के थ्रू आप वीडियो कॉल के थ्रू वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करते हैं। फ़िलहाल मैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए उनको यहाँ से ईमेल कर सकता हूँ। साथ ही आप यहाँ पे QR कोड भी देख सकते हैं, यही QR कोड आपको उनके द्वारा भेजा जाता है। और काफ़ी आसान सा तरीका है आपका। और यहाँ आप रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हैं। और यहाँ सी पास्ट पेमेंट सेक्शन में क्लिक करके आप कोई भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1 रुपये का ट्रांजेक्शन किया था ट्रायल के लिए। फ़िलहाल आपको पता है कि लॉकडाउन के वजह से अभी तो कोई पेमेंट आ नहीं रही है। तो इस तरीके से आप अपना गूगल पे के ऊपर मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट चाहिए तो आपको अपने बिजनेस लोकेशन से उनको वीडियो कॉल के थ्रू ये सारा प्रोसेस करना होता है। वो वीडियो कॉल पे ही आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, ठीक है, वो आपको देख सकते हैं, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव को नहीं देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो कॉल होता है वो डुओ, जो गूगल का डुओ है, उस ऐप के थ्रू वो वीडियो कॉल प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में गूगल डुओ ऐप नहीं है तो आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और जहाँ भी आपका बिजनेस है उस प्रॉपर उसी लोकेशन पे बैठ के आपको वो कॉल करनी है अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके। और उसके बाद करीब मुझे लगता है 2 से 3 घंटे के प्रोसेस के बाद फिर आपका अकाउंट शो होने लगता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना आसान है गूगल पे पे अपना मर्चेंट अकाउंट बनाना। आप भी बना सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। वैसे तो आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आइए और गूगल पे का इस तरीके से आप मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। अगर गूगल पे मर्चेंट अकाउंट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।